ऐसा सोचना कि हमें इस धरती को बचाने की जरूरत है, अपने आप एक उलझा हुआ विचार है। धरती का अस्तित्व हमारी वजह से नहीं है, हमारा अस्तित्व धरती की वजह से है। यहाँ तक कि खुद को धरती से अलग समझना भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप जिसे मैं मानते हैं या जो आपके अस्तित्व का भौतिक भाग है, वो इस धरती का ही एक अंश है जो उठ खड़ा हुआ है। जिस चीज को आप अपने हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं, उस चीज का ध्यान रखने के बारे में किसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप हर हाल में उसका ध्यान रखेंगे। ये धरती हम सभी के लिए है और हम अपने दम पर अपना जीवन नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व हमारी आर्थिक गतिविधियों की वजह से नहीं है। फिलहाल हमें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि देश की विकास दर के आंकड़ों की वजह से हमारा जीवन सुधरेगा। नहीं, हम यहाँ अच्छे से तब जी पाएंगे जब सब कुछ हरा भरा और सुंदर होगा, बहता पानी उपलब्ध होगा और हवा शुद्ध होगी। इस विचार को हर मनुष्य, हर नागरिक और हर बच्चे के मन में बसना होगा। आपको मनुष्यों के अलावा जीवन के अन्य रूपों के प्रति भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग मनुष्यों के प्रति भी जागरूक नहीं होते, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक पत्ती, एक उछलता हुआ झिंगूर, हर तरह की चीजें। आपको हर चीज के प्रति जीवंत होना चाहिए। हमारे आसपास की हवा लगातार हमारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, और यही हमारे जीवन का आधार है। जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं, उसे पेड़ अपने भीतर ले रहे हैं। जो सांस पेड़ बाहर छोड़ते हैं, उसे आप अपने भीतर ले रहे हैं। ये लेन देन लगातार चल रहा है। अगर हम सांसों की प्रक्रिया को एक मिनट के लिए रोक दें, तो हम समझ जाते हैं कि आसपास की हवा से लेन देन किए बिना हम एक पल के लिए भी नहीं जी सकते। इसी तरह से जल और पृथ्वी के स्तर पर भी ये लेन देन चलता रहता है। तो हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के जलाशयों को किस तरह से रखते हैं, ये हमारे जीवन की प्रकृति और गुणवत्ता को तय करेगा।